सो गाइस, धीरज हियर फ्रॉम रेवहेड, बैक विद अनदर वीडियो। आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं इस यजदी एडवेंचर का। जो पहले हमने वीडियो बनाई थी वो जस्ट एक फर्स्ट इम्प्रेशन था, और आज एक्सपल्स भी है साथ में, अभी है साथ में प्रो राइडर। तो आज ये है, ये फुली लोडेड वर्जन है, और इस बार आपको स्पीडोमीटर भी चला के दिखाएंगे। इसमें पैनियर्स लगे हुए हैं और आगे, और एक्सेसरीज लगने के बाद बाइक काफ़ी बल्कि लगती है। तो चलो, और काफ़ी बड़ी बाइक वाली फीलिंग आ रही है, आई लाइक इट। लाइक इन कैन से तो पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया बाइक चलाने का। और इस बार हमने स्पीडोमीटर भी ऑन करवा दिया है आपकी रिक्वेस्ट से, क्योंकि लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की कि हाँ स्पीडोमीटर नहीं चल रहा था, और उसी वजह से हम इसको थोड़ा ठीक ढंग से गेज भी नहीं कर पाए। और अब देखते हैं, तो अब देखते हैं, सैडलिंग करके देखते हैं और कब क्या देखते हैं। यही सही था, हाँ यही वाला वो लिंक रोड है। नाइस। सो गाइस, इस बाइक में इंजन है पिराक वाला ही, 334 सीसी वाला इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 29 bhp ऑफ पावर, जो कि हिमालयन प्रोड्यूस करता है 24 bhp, एंड ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है सेमी 29 न्यूटन मीटर, और जो कि हिमालयन प्रोड्यूस करती है 32 न्यूटन मीटर, जो कि टॉर्क है हिमालयन की ज़्यादा रहेगी और bhp है फिर आपकी ज़्यादा रहेगी। दैट मीन कि ऑन अ स्ट्रेट रन इट विल बीट हिमालयन। तो चलिए थोड़ा सेंड करते हैं इसको। सबसे बड़ा डिफरेंस हिमालयन और एडवेंचर, यजदी एडवेंचर में ये है कि हिमालयन के गियर बहुत अटकते हैं। जिस किसी के पास भी हिमालयन है उन सभी को पता है कि हिमालयन के गियर बॉक्स का क्या फंडा है। सो शिफ्टिंग यजदी ने बिल्कुल टॉप नॉच रखी हुई है, तो गियर बॉक्स यजदी का बिल्कुल एक नंबर है। जो इसकी ए फ्लाई स्क्रीन है ये एडजस्टेबल है। नाइस ऑफ रोड, और ये लग रहा है किसी के घर को जा रहा है। हम यहाँ से मुड़ लेंगे। नीचे वाला, एंड सीरियसली लाइक अभी ये बाइक फुली लोडेड है। जब हमने बाइक चलाई थी वो फुली लोडेड नहीं थी। लाइक ये जो रैक्स हैं, ये जो जेरी कैंस हैं, और ये पीछे जो हमारे पैनियर्स हैं वो उस टाइम पे नहीं थे। इससे काफ़ी चलाने में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आपको फील, बेसिकली फील चेंज हो जाता है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 220 mm, जो कि सेम एज हिमालयन है। फ्रंट इसका आ जाती है इसकी 320 mm की, जो हिमालयन की आती है 300 mm की, एंड पीछे वाली डिस्क आई थिंक हिमालयन और इसकी सेम ही है। सो विंड स्क्रीन स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छी जॉब करी है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। हिमालयन में आप नई बाइक ले लो, नई बाइक में भी पहले दिन से ही ये वाली वाइब्रेशन कभी नहीं जाती इनसे। सो ये एक अच्छा पॉइंट है यजदी में। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है हम कहाँ पर हैं।
सुशांत भाई ये रोड कहाँ जा रहा है? बगला नीचे तो लग नहीं रहा है मेरे को स्पॉट, ऊपर वाला स्पॉट ठीक लग रहा है। वापस चलते हैं, वापस मुड़ते हैं, ठीक है। यसडी एडवेंचर में आ जाते हैं 6 गियर एंड रॉयल इनफील्ड हिमालयन में आते हैं 5 गियर, और जो कि एक बमर है जो कि ज़्यादा हाईवेज पे राइड करते हैं उनके लिए, और शिफ्टिंग सीरियसली बहुत स्मूथ है इसकी हिमालयन के मुकाबले में। तो हिमालयन, जिनके पास हिमालयन है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसे एक शिफ्टिंग एंड एक विंड स्क्रीन, हिमालयन वालों को खुद पता है कि क्या दिक्कत रहती है उस चीज़ में। एंड आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। तो उसको थोड़ा सा करते हैं, फ्रंट टायर यसडी एडवेंचर का आ जाता है सेम एज हिमालयन 21 इंच का, एंड पीछे वाला टायर आता है इसको 130 सेक्शन का, जो कि हिमालयन का आता है 120 सेक्शन का। सो एक साइज़ बड़ा है इसका टायर, एंड इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल आपको रैली बाइक्स वाली फील देती है, जैसे डकार की रैली बाइक्स रहती है उनमें इस टाइप का फ्रंट कंसोल रहता है। बाइक है जैसे कि लिक्विड कूल्ड, अभी तक ऐसे कोई खास हीटअप नहीं हुई है। सो यू नो रेडिएटर भी काफ़ी बड़ा है इसका, हिमालयन का रेडिएटर थोड़ा छोटा रहता है। ये जो पैनियर्स है ये कॉस्ट करेंगे आपको आई थिंक 28,000 के आसपास, और ये फ्रंट वाली जेरी कैंस, और ये वाला भी एडिशनल आता है, एंड ये हैंड गार्ड भी एडिशनल है। एंड इसमें जो ABS है वो आ जाता है आपका 3 मोड्स में, जो कि एक रहेगा आपका रेन मोड, ऑफ रोड मोड एंड रोड मोड। गाइस इसको बिना एफर्ट के ये इस जंगल में सो नाइस अभी तक। इसलिए ऑफ रोड व्हीकल को मनूवर करने में मज़ा तब आता है जब उसमें पैर इजीली लग जाते हैं, जैसे कि एक्सपल्स है, एक्सपल्स में मेरे पैर इतने इजीली नहीं लगते हैं, तब करके उसको थोड़ा वो ऊपर ऊपर से ही हवा हवा में ही जाती है, वो बिल्कुल टोटली एंड्यूरो स्टफ है। एंड रही बात इस पे टूरिंग एंड कम्फर्ट की, गाइस आई कैन डू दैट ऑल डे लॉन्ग ऑन दिस मोटरसाइकिल। अभी तो हमने जस्ट अभी ट्विस्टीज पे ही राइड किया, सो फार वेरी गुड एक्सपीरियंस, प्रीटी नाइस बाइक। आगे भी है स्पॉट, क्या कोई हेल्प कर दे मेरे से, पता नहीं मुड़ेगी कि नहीं, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, तो चल अपनी बाइक पे। हाँ जी क्या बात होगी, बस तू जा मरना मत, हेल्प चाहिए, मुड़ जाएगी यहां से, हाँ ऊपर रन। रुक जाओ, अभी क्लच पे मत चलाना, थंबनेल का बनाने के चक्कर में थंबनेल थंबनेल। सो लेट्स गो गाइस, तो घास है यहाँ पे काफी स्लिपरी है, पैनियर्स के साथ ये और भी चौड़ी हो गई है।
थाम्बा नाइस, सुपर कंट्रोल। सो अपनी कुछ आदतें जो चेंज नहीं होगी न्यूट्रल की। सो गाइस ये देखिए 4 लेन का व्यू, पता नहीं कितना दिख पा रहा है आपको या नहीं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मोटरसाइकिल, इट्स अ गुड एडवेंचर। थोड़ा सा ट्रेल दिख गई मेरे को, अब तो करेगा ही बॉस। अब आप देख रहे हो कि मैं कितना इजीली इन पे वो कर पा रहा हूँ। आगे खत्म रास्ता। और लग रहा है मेरे को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से मोड़ने के लिए। ना आई एम जस्ट किडिंग। ओह नाइस, प्रीटी नाइस सस्पेंशन गाइस। तो आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। सो प्राइस रेंज में इतना डिफरेंस नहीं है इसके और हिमालयन के बीच में। सो जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, 6 गियर्स आ जाते हैं इसमें जो कि हिमालयन में 5 है और जो कि एक्सपल्स में भी 5 है। और इसका गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, इसका और एक्सपल्स दोनों का ही गियर बॉक्स स्मूथ है, हिमालयन का गियर बॉक्स इतना स्मूथ नहीं है। और विंडशील्ड गाइस नाइस, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं करती है विंडशील्ड, और ये एडजस्टेबल भी है कुछ एक्सटेंट तक। ये जो ESD एडवेंचर है ये उन लोगों के लिए सूट करेगी जैसे कि जो टूरिंग भी करते हैं और कभी कभी ऑफ रोड भी लेके चले जाते हैं। सो ESD एडवेंचर में मेरे पैर बहुत इजीली लग जाते हैं, जो कि मेरे को हीरो एक्सपल्स में दिक्कत होती है, इसमें पैर नहीं लगते इजीली और इसका वेट भी कम है, तो ये काइंड ऑफ यू नो ऊपर से ही रह जाती है, इसका जो ट्रैक्शन नहीं बन पाता है। सो इस पे ऐसा है कि मेरे पैर भी लग जाते हैं और इसका वेट भी अच्छा खासा है, हिमालयन से 10 kg लाइटर है ये। और रही बात कम्फर्ट की, कम्फर्ट में ऑलमोस्ट सेम है, हिमालयन की सीट थोड़ी सी वाइडर है इससे। बट सीरियसली गाइस, जब एक बार आप इनको इन बाइक्स को ये जेरिकैन एंड ये जो पीछे पैनियर्स लगे हो इनके साथ चलाओगे, आपको बिल्कुल नेकेड बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और अभी मेरे को जस्ट यू नो समझ रहे हो ना, मेरे को बिल्कुल वो BMW GS वाली फीलिंग आ रही है, लाइक बड़ी बाइक वाली फीलिंग आ रही है। बनानी चाहिए थी वाह। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी हम निकल रहे हैं सीधा ESD के शोरूम। स्टाफ में बेसिकली सचिन भाई एंड प्रशांत भाई, जो कोई भी क्वेरी हो मैं इनके नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बारिश भी लग गई एंड थैंक्स टू ऋग्वेद ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल मशीन, वो भी फुली लोडेड और स्पीडोमीटर के साथ में।